नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। हाजिर हूँ आज एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी कुछ यूं रही दोस्तों। एक सब्जी बेचने वाला होता है, उसकी सब्जियाँ हमेशा ताज़ी हुआ करती हैं। उसके पास एक वाइट बोर्ड होता है, उसने सब्जियों के विज्ञापन के लिए उस वाइट बोर्ड पर लिखा, फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड हियर, यहाँ ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। एक आदमी आता है सब्जी खरीदने के लिए, उसने कहा कि तुम्हारी सब्जियां तो हमेशा ताज़ी हुआ करती हैं, ये सबको पता है, फिर ये बोर्ड पे फ्रेश लिखने की क्या ज़रूरत है। उसने क्या किया, सब्जी वाले ने उसके सामने में ही फ्रेश को मिटा दिया और वो जो आदमी था वो सब्जी खरीद के स्माइल करता हुआ चला जाता है। कुछ देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, उसने कहा कि तुम तो सब्जियां ही बेच रहे हो, फल या अंडे तो बेच नहीं रहे हो, फिर इस बोर्ड पे वेजिटेबल्स क्यों लिखा है, इसको मिटा क्यों नहीं देते। फिर सब्जी वाले ने क्या किया, उसके सामने में ही वेजिटेबल्स को भी मिटा दिया। वो व्यक्ति भी सब्जी खरीद के मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ देर के बाद एक वृद्ध महिला आती हैं, वो कहती हैं कि तुम तो बाजार में बैठे हो तो बेच ही रहे हो, तुम तो मुफ्त में किसी को दे नहीं रहे हो, फिर ये बोर्ड पे सोल्ड क्यों लिखा, इसको मिटा क्यों नहीं देते। सब्जी वाले ने सोल्ड भी मिटा दिया। वो वृद्ध महिला भी सब्जी खरीद के मुस्कुराती हुई चली जाती हैं। कुछ देर के बाद एक स्कूल का बच्चा दौड़ता भागता आता है, वो बोलता है, अंकल आप तो यहीं बैठे हो, हियर देयर, वहाँ तो बैठे नहीं हो, फिर आपने बोर्ड पे हियर क्यों लिखा, इसको मिटा क्यों नहीं देते। फिर सब्जी वाले ने हियर को भी मिटा दिया। वो स्कूली बच्चा स्माइल करता हुआ चला जाता है। एक घंटे के बाद एक युवक आता है, उसने सारी सब्जियां खरीदी ताज़ी ताज़ी, उसने कहा कि तुम्हारी सब्जियां तो इतनी ताज़ी हैं, तुम इसका विज्ञापन क्यों नहीं करते, तुम्हारे पास ये वाइट बोर्ड भी है खाली पड़ा हुआ, तुम इस पर लिख दो ना, फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड हियर। तो सब्जी वाले ने उस बोर्ड पे फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड हियर वापस लिखा, जो कि उसने पहले भी लिखा था। तो दोस्तों, इस कहानी से मैंने यही सीखा कि लोग आपको राय देने के लिए ज़रूर आएंगे। हर एक व्यक्ति को दूसरों के लिए राय होती है, लेकिन आप सुने सबकी ज़रूर, कितना अमल करना है, कितना उस राय को स्थान देना है, ये आप अपने अनुभव, अपने बुद्धिमता और अपने विवेक से भी इसका निर्णय लें। दूसरी बात, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, जैसा वो सब्जी वाला कर रहा था, जो भी आ रहा था उसको खुश करने के लिए उसकी बातें मानता जा रहा था और वो मिटाता जा रहा था बोर्ड पर से, और सब एक स्माइल दे के चले जा रहे थे। तो हम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते, इस चक्कर में हम खुद हमेशा नाखुश रह जाते हैं और हमारी जर्नी आगे ही नहीं बढ़ पाती है, घूम फिर के जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं पहुँच जाती है, जैसा कि सब्जी वाले के साथ हुआ। उसने फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड हियर लिखा था, सबको खुश करते करते मिटाते मिटाते फिर वापस वहीं पहुँच गया, वहीं से शुरू की उसने अपनी जर्नी फिर से। आपने इस कहानी से क्या सीखा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी राय का, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हाजिर होंगी अगले फ्राइडे को एक नई स्टोरी के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। स्टे ब्लेस्ड।